क्रांती की शुरुआत जो है वो दूसर संगठितता नहीं होती क्रांती की शुरुआत होती है खुद क्रांति बन्या से

हर्ष बेटा ये परफॉर्मेंस मेंटेन रखना लगातार मेहनत करते रहना ठीक है और इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल बायोलॉजी पढ़े आपको फिजिक्स में भी अच्छा करना पड़ेगा केमिस्ट्री में बच्चा अच्छा करना पड़ेगा ठीक है बेटा है ना माई बेस्ट विशेष हर्ष ने टू आउट ऑफ टू स्कोर किया है फिर सेकेंड रैंक पे है उजमा फेज 235 तो जुआ बेटा क्या गलत हुआ एक क्वेश्चन बताना मेरे को जरूर जरूर उठ प्रीति आपको भी बताना है प्रीति महेश इशिका दुग्गल इन्होंने एक एक क्वेश्चन गलत किया है 235 थर्टी फाइव आउट ऑफ टू फोर्टी के तो बेटा एक क्वेश्चन कौन सा गलत हुआ मुझे जरूर बताइएगा आपके फिर दीपांशी 231 रोहित 230 सरोज मान्या सिंह अर्पण मनीष आशुतोष कुमार सिंह देवजीत कार गजेश्वरी नायक नेहा 230 मार्क्स है तो बेटा दो क्वेश्चन क्या गलत हो बताना नेहा 226 सत्यम देशमुख 226 मार्क्स है ठीक है फिर मल्लिका ऋषिवर 226 रवि 225 कुमार हर्षदा हरेंद्र अदिति सिंह कुनिका सुचित संजना मोहम्मद नावेद निखिल यादव सूर्य भारद्वाज रुक्षी पटेल अरमानदीप सिंह अरविंद कुमार नुपुर रुद्र प्रसाद निधि सिंह आदित्य राज मीना क्षमा त्रिपाठी टू ट्वेंटी फाइव मार्क्स है तो बेटा क्या गलत हुए तीन क्वेश्चन आप सारे बच्चे मेरे को बताना है ना ठीक है अंकित टू ट्वेंटी फाइव निखिल टू ट्वेंटी थ्री रवि कुमार टू ट्वेंटी टू सायन रोथ टू ट्वेंटी टू तान्या अनुराग घोष उत्पल शुभ्रा शेफाली शशिकांत आचल, अहमद, तान्या सोलंकी कार्तिक प्रताप न, नीलेश आप सबने बेटा बहुत अच्छा किया है ठीक है बाकी हमारे दूसरे टॉपर जो आगे की दिखाएता हूं एक बार आपको है ना ठीक दे ऑल सबने बड़ा अच्छा किया है हर्षल आबिद ऋतु प्रियंका तरुण धीरज उमाइना शिवांग, अंजनी संदीप समीर प्रीति सी शिप, कुमारी अं, अंशिका शिवम कुमार सिंह शुभम अनिद्या आकाश नीतीश आयुष्मान सारे बच्चे अच्छा किए बेटा यू ऑल डिड वेरी वेल बेटा बहुत अच्छा किया आपने लेकिन क्या गलतियां बेटा मेरे को एक बार बता जरूर देना आप लोग है ना क्या गलत किया आपने ठीक है ठीक चलिए तो अब हम आते हैं कि हमारा टेस्ट पेपर के ऊपर हम बात करते हैं किस पेपर में किस तरह के क्वेश्चन थे ठीक है चलो तो क्वेश्चन देते हैं हम तो पहला पेपर सामने आपके सामने स्क्रीन पर जो है क्वेश्चन पेपर है, है ना सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगा थैंक यू वेरी मच बेटा आपने मेरे निर्णय का सपोर्ट किया मैंने देखा अभी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तब तक आप में से कई सारे बच्चों के कमेंट आ चुके थे कि सर आपने जो ऐप पर वेबसाइट पर लेक्चर लेने का निर्णय लिया है वो बिल्कुल सही है और वो आप मुझे पता आप इतने अच्छे हैं कि आप सब लोगों से मतलब मैं जितना एक्सपेक्ट करता हूं उससे ज्यादा आप मुझे देते देते हैं ठीक है एंड यू आर रियली में uh, जो सच्चे कमांडो हैं वो आप हैं और आपसे मैंने जो एक्सपेक्ट किया था आपने बिल्कुल उससे भी बेहतर जो है वो uh, इसको सपोर्ट किया आपने इस निर्णय को और मैं सच में आपका दिल से आभारी हूँ और आपसे बहुत प्रेम करता हूँ बेटा और मैं मैं पूरी ईमानदारी से साल भर आपके साथ प्रयास करूंगा मेहनत करूंगा ठीक है आपकी हर छोटी बड़ी समस्या मेरी समस्या के समान होगी मैं हम हर लेवल पे आपके साथ में बेटा जुड़ा रहूंगा है ना और हम अपनी सफलता की मंजिल पर साथ चलेंगे और पाकर रहेंगे और अभी मैंने कहा ना पहले आपसे कि अभी हम लोग कुछ कुछ चीजें और भी इनोवेट करने वाले हैं जैसे कि मैं आपके क्लास लेने के बाद आपसे जो है लाइव दस पंद्रह मिनट आके आपसे पूछूंगा कि आज की क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ आपको है ना कुछ और कोई कॉन्सर्ट में दिक्कत तो नहीं हुआ तो उसमें हमारा लाइव इंटरेस्ट तो पूरी क्लास लाइव की बजाय हम क्लास के बाद में छोटा सा एक लाइव सेशन रख रख पाएंगे हम ठीक है ना बहुत कुछ इनोवेट करेंगे अच्छा करेंगे बेटा और मेरे पर भरोसा रखने के लिए मेरा साथ देने के लिए दिल से प्यार बेटा और शुभकामनाएं चलिए तो अब पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर वन पर आते हैं कि यहां पे क्या कोई गलत करने की संभावना थी पॉसिबिलिटी थी ठीक है तो क्वेश्चन नंबर वन क्या बोलता है आपसे क्वेश्चन नंबर वन कहता है मैं अपने आपको पहले छोटा कर लू क्वेश्चन नंबर वन कहता है आपसे ए मल्टी सेलर वो कहता है आपसे एक मल्टीसेलुलर ठीक है फिलामेंटस एल्गी है जो एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकिल सेक्शुअल साइकिल शो करता है ठीक है जिसमें कि म्यूटिक डिवीजन जो होता है जायगोट बनने के बाद होता है मतलब क्या बोल रहा है आपसे वो बोल रहा है यहां पर आपको जायगोटिक मियोसिस आपको देखने मिलता है क्लियर ठीक है और जाइगोटिक म्यूसिस होगा इसका मतलब नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन कोई एम्ब्रियो नहीं बनेगा ठीक है मतलब

हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आंसर क्या है इसमें है लाइफ साइकिल ठीक है ना क्लियर याद रखिएगा सिंपल सा बेसिक है रिप्रोडक्शन का बेसिक चीज है बेटा है ना और बताया हुआ है मैंने आपको ये चीजें ठीक चलिए आगे बढ़ते है. क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं तो क्वेश्चन नंबर वन में गलत करने जैसा कुछ भी नहीं है ठीक है ना और क्वेश्चन नंबर वन में गलती की है तो कान पकड़ के खींचो अपने है ना ठीक है फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर बात करते हैं ऑफ स्प्रिंग फॉर्न बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्ट मोर वेरिएशन दोनों से आता है और दोनों के अलग अलगोजिशन होते हैं इसलिए जो होता है, वो अपना अपनी मदर की कॉपी नहीं होता है हंड्रेड परसेंट अपने फादर की नहीं होता है, बल्कि दोनों के उसमें और फिर एक नया फैमिली बनता है कुछ जीन फादर के एक्सप्रेस होते हैं कुछ जीन मदर के एक्सप्रेस होते हैं ठीक है ना तो इसका मतलब क्या है इसका बेस्ट आंसर क्या होगा लेंदी प्रोसेस इज नॉट द आंसर ठीक है ना फिर दो डिफरेंट स्पीसीज तो करो बेटा दो डिफरेंट स्पीसीज तो आपस में रिप्रोडक्शन ही नहीं कर सकती है याद है ना रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है स्पीसीज के बीच में ग्रेटर अमाउंट ऑफ डीएनए इन्वॉल्व ये भी गलत है चाहे कोई भी रिप्रोडक्शन और डीएनए का जो अमाउंट है वही रहेगा वो तो उसमें क्या बदल जाएगा ठीक है तो आंसर इज गैमिट आंसर क्या है बेटा इसका सही आंसर इसका क्या है इसका सही आंसर आया गैमिट्स ऑफ पेरेंट्स हैव क्वालिटेटिवली डिफरेंट जेनेटिक कॉम्पोन कॉम्पोजिशन मतलब मेल और फीमेल गेमी डिफरेंट टाइप के होते हैं एक मदर से आता, एक father से आता इसलिए different combination है इसलिए डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते हैं तो हम क्या बोलते हैं हम बोलते हैं यहां पर इंडिपेंडेंट असॉटमेंट काम करता है क्रॉसिंग ओवर काम करता है यहां पेट के क्लियर तो देर आर पॉसिबिलिटीज टू क्रिएट ए न्यू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ठीक है आंसर इज बी सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री है No स के क्वेश्चन है अभी तक ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्वेश्चन नहीं आए रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेज वाले चैप्टर के क्वेश्चन है नेचुरल डेथ सिंगल देखिए सिंगल से ऑर्गेज में इसने ग्रो किया ग्रो करने के बाद वो दो में डिवाइड कर गया ठीक है फिर ये ग्रो किया और फिर ये दो में डिवाइड कर गया मतलब प्राकृतिक मृत्यु इनकी नहीं होती क्योंकि जो ग्रो ग्रोथ के बाद में इनमें डिवीजन हो जाता है ठीक है तो मतलब ये कि पेरेंटल बॉडी जो होती है वो ऑफ स्प्रिंग में बढ़ जाती है इसलिए इनमें आपको जो है वो नेचुरल डेथ देखने नहीं मिलती है ठीक है इनमें यूनिसेल ऑर्गेनिज्म आपको नेचुरल डेथ देखने नहीं मिलता है ठीक है क्लियर आई बात समझ में चलिए फिर आगे बढ़ते हैं उसमें हम क्वेश्चन फोर क्या कहता है क्वेश्चन फोर जो है वो नीचे है थोड़ा देख आप देख लीजिए इसको है ना

डायसियस ऑर्गेज आर सीन ओनली इन प्लांट यह बिल्कुल गलत है डायोसियस का मतलब होता है बेटा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक से अधिक की आवश्यकता हो मतलब मेल वो अलग हो और फीमेल अलग हो के मेल और फीमेल अलग अलग हो डायोसिस डायोसिस के दो मिलकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हो मतलब यूनिसेक्सुअल के और आपको जिसे हम बात, 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 हम, हम बात तो डायोसिस में, में आता है, तो इसका मतलब ये है कि प्लांट के अंदर भी डायोसिस ऑर्गन आर सीन इन प्लांट्स ये भी गलत है आपको देखने मिलते हैं कई सारे एनिमल पूरे मैम डायोसिस है फिर आर सीन इन ऑर्गेजन प्लांट ये बिल्कुल सही है कई सारे आपको डायोसिस प्लांट मिल जाएंगे मतलब मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग हुआ दो मिलकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे कई सारे ऐसे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे और दूसरा इसके अलावा ये है कि डायसिस ऑर्गेनिज होते हैं वो जो है वो प्लांट और एनिमल दोनों में देखने मिलते हैं ऑप्शन डी केवल वर्टिब्रेट में यह भी गलत है ठीक है ना Is, तो तो आंसर पांचवा क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है अगेन डायरेक्ट पॉइंट फ्रॉम द के NCRT की लाइनें बड़ी जरूरी हैं ठीक है किसी जो है कमांडो ने कहा कि सर पता नहीं उसने कहा कि सर आप एनसीआरटी की लाइनों को पढ़कर सुनाते हैं क्या इसकी वाकई जरूरत है तो देखो बेटा ऐसा है एनसीआरटी की अपनी एक लैंग्वेज है और बड़ी खराब लैंग्वेज है खराब मतलब ये कि वो एक लाइन में दस लाइन का मतलब दस लाइन छिपा के लिखते हैं तो हमें यदि एनसीआरटी की लैंग्वेज को यदि मैं आपको पढ़कर नहीं सुनाऊंगा और एनसीआरटी की उस लैंग्वेज के ऊपर मैं आपके क्वेश्चन नहीं लूंगा ना तो उससे क्या दिक्कत होगा कि जब पेपर देखेंगे वो पेपर में मोस्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी से ड्राइव होते हैं तो आप फिर दिक्कत में आ जाएंगे के. तो आपको हमारा सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका क्या है पहले कॉन्सेप्ट को समझिए डिस्कस कीजिए कॉन्सेप्ट को फिर एनसीआरटी के के पैराग्राफ को पढ़िए फिर और डिस्कस कीजिए उसको तो पूरी बात समझाइए आपने देखा होगा जितना मैंने पढ़ाया आपको ह्यूमन रिपोर्ट कहीं भी पढ़ाया तो मैंने पहले चीजों को समझाया फिर मैं एनसीआरटी की लाइनों को पढ़ा मैंने अभी देखो एनसीआरटी में क्या लिखा है है ना है ना बेटा जरूरी वो चलिए तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स विच ऑफ दी फॉलोइंग इज इज ए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब जो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है ठीक है ना ठीक पॉलन पॉलेंड पहले होता है गलत

प्लांट का वेजिटेटिव से रिपोर्टिव फेज में आता है तो कैसे मालूम चलता है फ्लावरिंग होने लगती है उसके अंदर ठीक है आंसर इज बी सिंपल क्वेश्चन है अगेन डायरेक्ट फ्रॉम एनसीआरटी क्वेश्चन नंबर सेवन डिस क्यों एसेक्सुअल रिपोर्डक्शन जो है वो कई बार जो है वो डिसेज होता है उसका फायदा नहीं होता है क्योंकि कारण यहन नहीं मिलते हैं है, और एक समान पॉपुलेशन में इवॉल्यूशन की संभावना जीरो होती है क्योंकि कोई वेरिएशन नहीं होगा तो कोई वेरिएशन नहीं होगा तो एक चेंजिंग एनवायरमेंट में कोई नया करेक्टर उभर कर सामने नहीं आएगा तो आंसर इसका इट प्रोड्यूसिकलीफॉर्म पॉपुलेशन और यही इसके लिए सबसे बड़ा डिस इट हॉल्ट दी ये भी पूछा गया इट्स हॉल्ट दी इवोल्यूशन ये ये विकास को रोकता है ठीक है अब आरेख दिए गए आरेख में फर्स्ट और सेकंड को पहचाने आर एक तो कहीं हमको दिखाई नहीं पड़ रहा भैया यहां पे इन डायग्राम देखते हैं चलिए आगे अगले पेज पे हो शायद फर्स्ट और सेकंड को पहचानना है हाँ मिल गया हमें ठीक है इमेज दिख गया हमें कि फर्स्ट और सेकंड को पहचाना है अरे देखो अब ये क्या है Again, again, हम बात करें, again, this is the बिल्कुल मालूम होना चाहिए और सेकेंड क्या है स्कोटम के अंदर ये टेस्टिकल तो आंसर और अब मुझे मालूम है आप में से किसी ने यह क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं किया होगा ठीक है ना गलत तो होना नहीं चाहिए इतना अच्छे से पढ़ा हमने इन सब चीजों को फिर आगे बढ़ते हैं हम बोथ इजेकुलेशन डक्ट ओपन तो आपको पता होगा हमने कहा था कि ये

ओपन होती है जैसे ये यूरेथ्रा है ये यूरेथ्रा है तो एक जो यूरेथ्रा है तो एक इजेक्युलेटरी डक्ट जो है वो यहां से आके यहां ओपन हुआ एक यहां ओपन होगा एक दूसरा यहां ओपन होगा ठीक है दोनों इजेक्युलेटरी डक्ट जो है वो यूरेथ्रा में जाकर वो ओपन होती है ठीक है ना क्लियर और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है ठीक है फिर क्वेश्चन नंबर टेन

फिर क्वेश्चन नंबर हम जो है वो ट्वेल्व पे इलेवन पे आते हैं विच कॉन्स्टिट्यूंट दिस्टिट्यूंट ऑफ इन सेगलेन ऑफ दीमेंट आफ्टर इजेकुलेशन तो मैंने कहा था सीमेन में जो है इजेकुलेशन के बाद सीमेन में जमने की टेंडेंसी होती है और वो होती है जस्ट बिकॉज ऑफ दी फाइब्रोजन प्रोटीन किसके कारण इसके कारण होती है ठीक है ना पढ़ा हुआ है हमने ऑलरेडी चलिए फिर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पे आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और मतलब ये ऐसे क्वेश्चन जो है ना मतलब मैं मानता हूं कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना तो बड़ा कॉन्सेप्ट भी चेक होता है और अच्छे क्वेश्चन है दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली और आपको बता ये क्वेश्चन कहां आया हुआ है ये क्वेश्चन आया हुआ है एम्स के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है एम्स के, के अंदर लास्ट ईयर भी एक पाली के अंदर पूछा गया था उसके पहले यह क्वेश्चन जिपमर में पूछा गया था और उसके पहले यह क्वेश्चन जो है वो सेम क्वेश्चन के अंदर भी आया हुआ है तीन बार तीन अलग अलग एग्जाम में यह क्वेश्चन आ चुका है बेटा और नीट में इसके आने की हाइएस्ट पॉसिबिलिटी में से एक है बेटा ठीक है अब देखो क्या पूछा उसने उसने पूछा है कि आपको सही से आपको इसको अरेंज करना जमाना सही से आपको इसमें ठीक है आपको आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसेज ऑफ स्पर्मेटो जो है जो है वो वो कहां से कहां मूव करता है ने शुरुआत से एंड तक बताना आपको के तो देखो सबसे पहले हमको पता है कोई डाउट नहीं इस बात में कोई संदेह नहीं है कि बनता कहां पे ये तो हमें मालूम है बनता कहां ये सामाइनी फर्स्ट ट्यूबुल बनता है तो एफ एफ इज दी यानी जो एफ है एफ नंबर 1 पे होगा सामाइनी के मतलब ये ऑप्शन कैंसिल ये ऑप्शन देखो मैं बता रहा हूं एग्जाम में टेस्ट में कैसे सॉल्व किया करो आपने कहा कि हमको ये मालूम अच्छे से कि आ, बनता है तो हमने ऑप्शन बी कैंसिल कर दिया ऑप्शन सी कैंसिल कर दिया ए और डी में से आंसर होगा फिर टिब्यूल से वो कहां मूव करता है वहां से रेटेड को आता है वहां से वासा इफ्रेंशिया को जाता है मतलब यह हो गया है कि डी वासा इफ्रेंशिया समय फर्स्ट टू तो क्या हो गया यहाँ पे एफ के बाद बी दे रखा उसने बी नहीं पहले वासा इफ्रेंशिया में जाएगा वासा इफ्रेंशिया से फिर एपिडायमिस में जाएगा तो आपने कहा एफ के बाद डी ये आंसर आ गया लगा दे बाकी मैच करो चाहे मत करो मैं कहता हूं स्मार्ट वर्क है देखो आप मैच कर लेते हो अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है कि आपने पूरा मैच किया आई एग्री हाय Sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye. Continue your lecture. But exam is all about time management. Exam is all about time management. Exam is all about.

ठीक है तो स्मार्ट वर्क क्या करो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं देखो बेटा अभी क्या है मौसम बदल रहा है थो, थोड़ा मौसम बदल रहा है बरसात का मौसम है ठीक है सीजनल तो अभी प्लीज अपना ध्यान रखिए आप सभी लोगों को मैं एक रिकमेंडेशन देता हूं कि आप विटामिन सी का टेबलेट के मार्केट में अवेलेबल है विटामिन सी का टेबलेट जो सी के नाम से आता है लिम्सी 500 या सस्ता गोली होता है सैलिन फाइव हंड्रेड ठीक है है ना इसका आप जो है वो एक गोली सुबह चूसना है आपको एक शाम को चूसना है चुएबल इट इज चुएबल चूसने लायक होता है ये ठीक है टेस्ट में बहुत अच्छा नहीं होता है लेकिन आप आप यदि इसको एक गोली सुबह एक गोली शाम को आप जो है वो चुएबल टेबलेट लेते हैं तो आपका बॉडी का इम्यूनिटी 1000 थाउजेंड एमजी विटामिन सी लेने पर बॉडी का इम्यूनिटी हायर साइड रहता है ठीक है ठीक है इससे ये फायदा होता है कि आपको छोटे मोटे जो इन्फेक्शन है उससे आप बच जाते हैं और आपको जो है उसका असर कम होता है बॉडी का इम्यून सिस्टम हायर साइड काम कर रहा होता है तो क्योंकि अभी बरसात का मौसम है और नॉर्मल कफ एंड कोल्ड के सिम्टम भी कोरोना से मिलते जुलते हैं ठीक है और मान लीजिए आपको लगता है नॉर्मल कफ एंड कोल्ड भी हो गया है तो भी अपने आप को घर में आप आइसोलेट अलग रखिए आप तभी अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर लीजिए एक मास्क लगा लीजिए किसी से मत मिलिए आप जो है भले ही वो कोरोना नहीं है बट आपको इतना समझना पड़ेगा आपको कि हर जगह कोरोना हो सकता है कि इट पॉसिबल और गले में यदि तकलीफ होती है आपको शॉर्टोट होता है तो कॉन्टेक्ट यूर नियर बाय डॉक्टर जी नहीं कांटेक्ट कर पा रहे हैं तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए ठीक है क्लियर तो आप जो है आप जो है वो अपना ध्यान रखिए इस मौसम में ठीक है ऐसा कहा जाता है ऐसा कहा जाता है कि जुलाई के के बाद यानी मिड जुलाई के बाद में अगस्त के फर्स्ट वीक में या अगस्त के सेकंड वीक में कोरोना का पीक आने की संभावना है इंडिया के अंदर के। इसलिए हम सबको अपना अपना ध्यान रखना पड़ेगा ताकि कोई गलती ना हो जाए ठीक है क्लियर और जो है आ, सबसे बड़ी बात यह है कि आ, ये जो जो भी हम आ, स, अपना कोरोना का जो माहौल है उसमें हमको जो है वो ध्यान ही रखना है अपना और दूसरी बड़ी बात यह है कि हमको एग्जाम को लेके बहुत लोग वरीड हैं अब बताऊं मैं आपको कि एग्जाम को लेके कई सारे यूट्यूबर जो है वो एक ऐसी पॉसिबिलिटी निकाल रहे हैं कि आ, कि एग्जाम और आगे बढ़ जाए वो लोगों से बोल रहे हैं कि आप भी सपोर्ट करो आप भी सपोर्ट करो लेकिन मुझसे यदि आप पूछेंगे एज अ डॉक्टर तो मैं बोलूंगा कि यार देखो मैं तो पहले ही पहले अब तीन मई को जब था ना बहुत कम केस थे इंडिया के अंदर तीन मई को तब ये समझदारी के साथ एग्जाम कंडक्ट करवा लेते ना तो कोई हल्ला ही नहीं होता कुछ होता ही नहीं तब उन्होंने कहा कि डर के मारे कि नहीं नहीं आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते क्या अभी ध्यान रखते हैं ठीक है फिर अभी आ गया जुलाई में अभी भी दुनिया भर के ऐसे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस जो है ना वो वो अब आ, और कितना बंद रहेगा भाई ध्यान रखिए और आगे बढ़िए तो मेरा व्यू बिल्कुल डिफरेंट है मतलब मैं मेरा व्यू धंधे वाला नहीं है बाकी लोगों को लगता है कि जितना आगे बढ़ेगा उतना हम अपना कोर्स और बेच लेंगे ट्वेंटी ट्वेंटी वाले बच्चों को उतना और बना लेंगे ये भी पढ़ ले ये भी पढ़ ले बीस दिन चालीस दिन का पढ़ ले ये कोर्स भी खरीद ले वो हमारा व्यू हमारा व्यू ये कि सिचुएशन इज गेटिंग जो है वो डे बाई डे आगे बढ़ती चली जा रही है और कब इसका एंड होगा ये कोई नहीं जानता है मैं, और एकेडमिक ईयर फॉर द मेडिकल प्रोफेशन मेडिकल एजुकेशन इट्स वेरी अब आप बोलेंगे सर लाइफ ओवर एग्जाम ना ये वो बहुत सारे इश्यू बोलेंगे यार देखिए बहुत सारे पुलिस वाले हैं बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कोरोना के लोगों के बीच में जाके काम कर रहे हैं है ना उनकी लाइफ नहीं है क्या एग्जाम मैं मानता हूं कि एग्जाम में चौदह पंद्रह साल लाख लाख लोग लेकिन यदि हम सारे लोग मास्क पहने शील्ड का इस्तेमाल करें ग्लव्स का इस्तेमाल करें ठीक है ना प्रॉपर प्रिकॉशन लें अथॉरिटीज को यह बोला जाए मैं यदि अथॉरिटी होता तो अथॉरिटीज़ को बोला जाए कि भैया एक क्लासरूम क्लासरूम इतना बड़ा है है इतने इतने स्क्वायर में से ऊपर बच्चे नहीं बैठेंगे और आरेंज करो, और अटेंड करो करो लोग ठीक बात। बात okay, बहुत कुछ जो है कह पाना बड़ा मुश्किल है कि, कब जाएगा कैसे होगा जो एक होता ना लंबाई में आप दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं सड़क पर आप दौड़े चले जा रहे हैं कि वो मंजिल है सामने वो हर बार जब भी आप पहुंचते हैं ना तो वो जो जो आपके सामने वाला जो रेड यहां पे जाके आपको धागा टच करना है वो और आगे बढ़ जाता है आपका दिमाग खराब रहता है आप फिर दौड़ते हो फिर वो और आगे बढ़ जाता है फिर आप दौड़ते हो फिर और आगे बढ़ फिर आपकी हिम्मत टूटने लगती है ह्यूमन साइकोलॉजी ठीक है चलिए बहुत सारे लोग मेरे इस मत से मुझे बहुत भला बुरा बोल सकते हैं असहमत हो सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकलिटी भी तो कोई चीज होती है यार है ना ठीक है चले तो अभी मेरे बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे ना बहुत सारा लंबा भाषण दे दिया इसके ऊपर मैंने आप देखिए दोबारा से

जहां पर कि जो स्पर्म ऑलरेडी पुराने हो चुके हैं ओल्ड हो चुके हैं जिनका टाइम पीरियड पूरा हो गया है अब वो री वहां होने होने लगते हैं नष्ट वो इस ता, 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 है, वो मतलब देखो स्पर्म का अपना एक लाइफ टाइम पीरियड है ह्यूमन बॉडी के अंदर भी डिस्ट्रॉय होने लगेगा और उसके बाद क्या होगा उसके बाद उसको बॉडी रिओब्जर्व कर लेगी उसके केमिकल्स दोबारा यूज कर लिए जाएंगे ठीक है तो आंसर इसका है वास्ट डिफरेंस यूरेथ्रा में ऐसा नहीं होता है डक्ट में ऐसा नहीं होता है वास्ट डिफरेंस में तो नया स्पर्म के आता है, वहां भी संता तो केवल एक ही ऑप्शन बचता है वॉस डिफरेंस ऑफ कट के क्लियर फिर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन फॉलोइंग डिपिक्स दी करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सही पास फिर से वही क्वेश्चन आ गया अब की बात डिफरेंट तरीके से पूछा उन्होंने देखो क्वेश्चन सेम भले ही हो लेकिन पूछने का तरीका दोनों बार अलग अलग है यहां पर अब यहां पर हम आंसर ढूंढते हैं मैंने कहा कि हमको पता है कि सेमाइनी फर्स्टिब्यूल के बाद में आता है तो यहाँ पे क्या है, ही में है ही नहीं। तो पहले आ गया है इसमें के सबसे पहले तो यही आएगा ठीक है एंड एफरेंट डक्ट एन रेटे टेस्टिस तो सेमिनिफेस्टिब्यूल से जुड़ा होता है तो ये इस एफरेंट डक्टिल क्या है वासा एफरेंशिया है ठीक है तो ये गलत है ये गलत है मतलब आंसर क्या होगा बी सी और डी में से कौन सा होगा रेटेड एस्टिस से कहा जाता है रेटेड एस्टिस से आता है वो वासा इफ्रेंशिया में इफ्रेंट डक्ट्यूल में जाता है तो इपीडाइनस वाला ऑप्शन गलत हो गया वास डिफरेंस वाला ऑप्शन गलत हो गया तो आंसर क्या आया आंसर आया इसका बीटा बी आंसर आया ठीक है आपने दो मैच कर लिए बाकी ऑप्शन आपने कैंसिल कर दिए बात ही खत्म हो गई है है ना चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन स इज अरे भाई ये एक्सटर्न जेरेटेलिया नहीं होता है तो दोनों गलत है मतलब आंसर सिंपल सा क्वेश्चन है दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन फॉर्म एम्स ये भी एम्स का क्वेश्चन है फे ए ग्लैंड विद मेल रिपेटिव ऑर्गन ऑफ मैमल के मैमल के मेल रिपेटिव ऑर्गन से ग्लैंड क्या होती है प्रोस्टेट ग्लैंड के ठीक है इसका यहां तो हमको प्रोस्टेड ऑप्शन हमको प्रोस्टेड यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है बाकी हम देख लेते हैं कि आगे के दूसरे ऑप्शन क्या है इसके वो भी हम एक बार देख लेते हैं इसका डेल्टा डी इसका ना देखो ऑप्शन डी भी देखना चाहिए ना मैं तो उसका देख के आंसर ए लगाने वाला था लेकिन मैंने देखा रे मतलब ए और सी बोथ है दोनों मेल के अंदर होता है ठीक है फिर क्वेश्चन नंबर सेवनटीन

ठीक है फेक पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू ओवरी देखो फेलोपियन ट्यूब का हिस्सा जिससे मैंने आपसे कहा ये हो गया यूटरस ये यूटरस है फेलोपियन ट्यूब है है ना और ये है ओवरी के। तो ओवरी के पास में मैंने कहा ये ओवरी है ओवरी के पास में क्या था है होता है ठीक है बीच वाला हिस्सा एम्पुला होता है और इन्फंडिबुलम के फिंगर लाइफ पोजिशन अगला क्वेश्चन मैंने जितना है वो डायरेक्टली पूछ लिया आपसे लाइक पोजिशन क्या बोलते हैं उनको उनको हम फिम्ब्री कहते हैं तो फिम्ब्री और फ्लजिला में कंफ्यूज मत करना बेटा है ना ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है

दूर वाला जो दूर रहता है वो डिस्टल ठीक है भूलना नहीं ठीक है पास वाला प्रॉक्सिमल दूर वाला डिस्टल ठीक है तो मैंने क्या कहा आपसे इनफनडी बुलाव फिलोपन ट्यूब का वो हिस्सा है जो दूर तरफ है डिस्टल एंड पर प्रेजेंट है वो ठीक है ना क्लियर अब देखो क्या आंसर है इसका देखते हैं हम इसका नहीं एक, एक सेकंड क्या क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं क्वेश्चन

स इन ह्यूम द्रॉडर एंड ऑफ यूट्रस विच इज कने आपको बताया था था, जो ब्रॉडर एंड होता है वो क्या कहता है, है यूट्रस इज ए पियर से पियर से होता है ठीक है थीके ना ठीक है ये वॉल है इसमें तो होता है ऊपर वाला हिस्सा दिस इज दी ये क्या होता है था? ये हिस्सा होता तो कहलाता है फंड इसे बोलते हैं हम फंडस इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं इसके लिए हैं, फंडस वर्ड यूज करते हैं ठीक है ना क्लियर चले फिर आगे बढ़ते हैं मिडिल लाइनिंग ऑफ यूट्रस यूट्रस का मिडिल लाइनिंग क्या कहता है देखो सबसे बाहर वाला पेरीमेट्रिया में बीच वाला जो है वो मायोमेट्रिया में और अंदर वाला क्या है वो एंडोमेट्रिया में देखो अब आप ये जो क्वेश्चन है ना आपसे ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं अब आपने पढ़ ही नहीं रखा यदि आपने पढ़कर ही नहीं रखा है तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते सॉल्व के अंदाजे से क्वेश्चन नहीं बनेगा आपको जानकारी अभी कई बच्चों को लगता है कि सर क्वेश्चन पेपर तो सरल है लेकिन एक्चुअली पढ़ा है बेटा इसलिए सरल लग रहा है हमको ना पढ़ते तो सरल ना लगता हमको ये ठीक है फिर तो काला अक्षर भेजवा बराबर लगता है फिर सर्विक्स कहां होता है याद करो यूटरस का वन थर्ड निचला हिस्सा सर्विक्स होता है तो बॉडी ऑफ यूटरस एंड दी वजाइना के बीच में क्या होता है सर्विक्स होता है आंसर इसका क्या यूटरस एंड वजाइना एक्चुअली होता है सर्विक्स के पार्ट है यूट्रस के भाग है पर बॉडी ऑफ यूटरस और वजाइना के बीच में जो हिस्सा होता है वन थर्ड उसको हम क्या बोलते हैं सर्विक्स कहते हैं ठीक है अब ए से एफ वाले भाग को सही तरीके से पहचानना है फिगर दे रखा है यहां पे क्वेश्चन नंबर 25 में चलो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का फिगर क्या है चलो है ना और मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि ये भी दिस इज आल्सो फ्रॉम एनसीईआरटी ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बेटा ठीक है ना ठीक तो देखते हैं हम कि ए पार्ट क्या है कि मैंने कहा आपसे कि ए पार्ट क्या है यहां पे देखते हैं हम चलो पार्ट ए क्या है बेटा इसमें पार्ट ए को देखो आप देखो हाँ आपको यहां तो, तो मैच कर रही ही नहीं आपको आपको नीचे मतलब आप देखो इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन होते हैं में वो सही है कि नहीं के आप देखो से, पहले ऑप्शन दिखाना है मैंने कहा भी सही है ई सर्विक्स ये भी सही है, e, है। मतलब आंसर तो ए आ गया और पहले ही आंसर आ गया तो बात ही खत्म हो गई अब लेकिन हम बाकी देखें सर को ठीक है ऐसा कुछ बोल रहा है, तो आपने इसको दिया। e को लिखा है ने। अब आप बोलेगी यह तो गलत बोल रहा है भाई क्योंकि ई e यूट्रस ने ई e क्या है वो सर्विक्स वाला हिस्सा है तो ये तो गलत हो गया फिर ए को लिखा है पेरी नहीं भैया ए तो एंडोमेट्रियम है ये भी गलत हो गया बी को लिखा है एंडोमेट्रिया बी एंडोमेट्रम नहीं बी क्या है बेटा बी जो है वो मायोमेट्रम में अंदर तक गया माओमेट्रम इसमें ठीक है ये भी गलत है ठीक है तो आंसर क्या गया इसका आंसर आ गया इसका ए आंसर आ गया है ना मैच आपको यहां पर क्रॉस चेक थोड़ा सा करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में लेविया मेजुरा क्या होता है तो देखिए सिंपल सी बात है लेबिया मेजोरा क्या होता है इट से हम कहते हैं कि लिप लाइक -like होता है आउटर फोल्ड लिप लाइक -like होता है लेबिया मेजोरा के अंदर लेबिया माइनोरा होता है और लेबिया मेजोरा जो होता है वो, वो लेबिया माइनोरा को कवर करता है लेबिया माइनोरा जो है बेज के को कवर करता है तो इट इज बेसिकली कंपोज ऑफ द फाइब्रस टिश्यू एंड फैट होता है इसमें इट इज लिप लाइक स्ट्रक्चर लॉन्गिट्यूडन फोल्ड होते हैं राइट और लेफ्ट साइड होते हैं के जो वेस्टिब्यूल है उसके आसपास लेबिया माइनोरा है फिर क्या होता है ये लेबिया मेजोरा होता है ऐसा ठीक है ठीक है

ट्वेंटी एट पे आते हैं ट्वेंटी एट हो गया हाँ ट्वेंटी एट हो गया ट्वेंटी क्या बोल रहा है बोल रहा आपसे इन मेमोरी ग्लैंड द ओपन इंटो अब देखो बेटा ये जो क्वेश्चन है ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन जो है ना ये मानकर चलो बेटा कि ये एग्जाम का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से एक है ठीक है और मैं आपसे कह रहा हूं कि ये एग्जाम का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस बार की नीट नीट 2020 के लिए एक्सपेक्टेड है ठीक है यदि इस बार नहीं आया तो अगली बार तो श्योर आना है, मैं कह रहा हूं आप, आप यकीन रखिएगा बात ये क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछे जाते रखिए तो अब देखिए किस जो कहां पे खुलता है तो आपको ये पूरा का, आपको पता होना चाहिए कि एलब्राई क्या होते हैं तो मैंने आपको बताया हुआ ऑलरेडी बेटा और अगेन अगेन दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली फ्रॉम दी एनसीआर ये भी एनसीआरटी से ही क्वेश्चन है ठीक है ना ठीक

प्राइमरी सेलवाल सेकेंडरी सेलवाल टर्सरी सेलवाल प्राइमरी सेलवाल सेलवाल से बनाता सेल है सेकेंडरी सेलवाल में लिग्रिन जमा हो सकता है सो मम्मी मम्मी बोली बेटा मैं बोली अपना सेलफोन ध्यान से रख ले अच्छा मुझे लगा सेलवाल पूछिए मतलब इस लेवल का जो है वो डेडिकेशन होना चाहिए कि भैया कोई ने आपको जो है वो चौंका दिया ठीक है तो आप रिफ्लेक्सली आंसर कर सकें इस लेवल का जो है वो मतलब आपका दिमाग जो है वो इस इंफॉर्मेशन इतना बड़ा होना चाहिए कि समझ गए ना कहने का मतलब ये कि चमत्कारी पुरुष बनना पड़ेगा एग्जाम को फोड़ने के लिए ठीक चलिए फिर

वन है द डक दिच कैरीज मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड टू निपल जो मेमरी ग्लैंड से निपल तक लेके आती है वो लेक है अब देखो तीन क्वेश्चन एक ही तरीके से एक ही चीज पर तीन क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से पूछा गया है इसमें आप ठीक है फिर प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमिट इन फ्रॉम प्रीमॉयलो शामिल होगा, भी शामिल होगा क्योंकि यहाँ पे आपने दिया मेल गैमिट है मेल गैमिट बोलता तो स्परमेटो जेनेसिस बोलते हैं फीमेल गैमिट बोलता तो उलते हैं कॉमन दे रखा है तो हमने गैमिटोजेसिस बोल दिया ठीक है अगेन इट्स क्वेश्चन टू चूज टू चूज द बेस्ट आंसर है ना बेटा है ना ये मत बोलना कि सर मैंने तो बी लगाया मैंने सी लगाया आप कुछ भी लगाया हो हम क्या कर सकते हैं उसमें जो सही है सही लगाओगे नंबर मिलेगा है ना चलिए फिर क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री इस पर गुटोगोनिया कैसे बनते हैं

ठीक है मतलब ये क्वेश्चन आपको गलती करवाता है क्वेश्चन ये ठीक है ना ये कहता है कि भाई मैं ऐसा क्वेश्चन जो गलती करवाऊंगा सावधानी हटी दुर्घटना घटी सावधानी ये थी कि नंबर ऑफ ऑटोसोम पूछा है नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं पूछा नंबर ऑफ क्रोमोसोम बोलता है ह्यूमन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में तो 46 क्रोमोसोम होता है क्योंकि ह्यूमन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है 2n तो पहली गलती प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n होता है उसको n मत समझ लेना n मत समझ लेना ठीक है n होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ठीक तो सिक्स होते क्रोमोसोम लेकिन आटोसोम पूछा है मतलब एक्स 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 वाई को हटा दो तो फोर आटोसोम होते हैं प्लस एक्स एक्स होगा या 44 फोर प्लस एक्स वाई होगा है ना बेटा दो पॉसिबिलिटी आंसर आ गया क्वेश्चन थर्टी फाइव

क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एग्जामिनेशन इट इज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन नीट ट्वेंटी अभी तो ट्वेंटी वन के लिए पढ़ा रहा हूं मैं ट्वेंटी ट्वेंटी का एग्जाम नहीं हुआ इसलिए बता रहा हूं बेटा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं ठीक है और इनके में नहीं आए ना तो मान कर चलना तुम्हारे लिए तैयार लगे बैठा हुआ कि ये क्वेश्चन तो मैं पेपर में लगा ही दूंगा कॉपी पेस्ट कर रहा बाकी है उसके पास है क्वेश्चन है देगा वो ठीक है

ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन और देखो आ रहे हैं ना अभी ये क्वेश्चन के डिस्कशन में जो टाइम लगा रहे हैं ना हम लोग तो इसको जो है ये मत सोचना कि सर इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है इसमें एक्चुअली देखो मैं भी अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना आई एम ऑल्सो इन्वेस्टिंग टाइम तो ये बहुत काम का क्योंकि देखो बेटा फाइनली एग्जाम में जाके हमें क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं हम कितना ही पढ़ रहे हैं कि हम क्वेश्चन में गलती करते रहेंगे तो कैसा सिलेक्शन हमारा होगा है ना ठीक है The spermiogenesis involves all of the following except किसपरमीोजेनेसिस जो है वो उसमें सब इनवॉल्व है इसको छोड़ के क्या माइटोकॉन्ड्रियल शीथ बनता है बिल्कुल बनता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सारे इकट्ठे होते हैं एक साथ एक, ले, एक लेयर बनाते हैं और वो स्प्रिंग के समान जो है स्पर्म के मिडिल वाले हिस्से में जाके वो जुड़ जाता है तो ये भी बनता है

नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ फॉलोइंग रिगार्ड टू स्पर अब आपको बताना है कि स्परमेटो के अकॉर्डिंग आपको सही क्रम से आपको अरेंज करना, करना ठीक है सबसे पहले क्या सबसे पहले तो होगा बेटा स्पर्मेटोगोनिया ए ए इज करेक्ट यानी ए, ए किससे होगा इसमें हाँ नहीं

जो जिस चैप्टर का हमें जिस हिस्से से क्वेश्चन लेने वी गिव इंस्ट्रक्शन कि हमको एक सेट ऑफ एमसीक्यू यहां से निकाल के प्रोवाइड करो दे वो जब एक मान लीजिए एक टेस्ट आपका साठ क्वेश्चन का टेस्ट होता है तो उसके लिए वो दो तीन सौ एमसीक्यू निकालते हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर के ठीक है वो निकाला निकालने के बाद वो पहुंचता है सबसे पहले पहुंचता है वो शैल मैडम के पास में शेल मैडम उसमें से क्वेश्चन को सेलेक्ट करती है देन मेरे पास आता है देन मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ उसके बाद वापस कंटेंट टीम के पास जाता है कंटेंट टीम उस पर काम करती है उसको पेपर के फॉर्मेट में जो है जो हमको हमारे जो सॉफ्टवेयर में जिस फॉर्मेट में पेपर, पेपर चाहिए होता है उस एस के फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है कन्वर्ट करने के बाद उसको अपलोड करते हैं देन उसके बाद बारी होती है अब उसको उसके आंसर्स को चेक करने की वो सब वो पहुँचता है मेरे पास वो पहुंचता है शेल मैडम के पास तो पहले शेल मैडम चेक करती है चेक करने के बाद वो जो पॉइंट होते हैं उनको वो नोट डाउन करती है बताती है कि इसमें यहां यहां पे करेक्शन होना है ठीक है वो करेक्शन होता है और करेक्शन होने के बाद करेक्टेड कॉपी एक बार मेरे पास आती है क्योंकि मेरे पास वक्त थोड़ा कम होता है तो फिर करेक्टेड कॉपी को फाइनली मैं चेक करता हूं ठीक है और उसके बाद फिर एक बार क्रॉस चेक करती है शेल मैडम उसमें तो ऐसे इतने लेवल पर पेपर बनकर आता है ठीक है वैसे तो और उसके बाद वो जो सॉफ्टवेयर में चला गया वो डेटा मैक्स में एंट्री चली गई उसके बाद फिर तो हर बार ऐसी ऐसे ही एक पूरा मेथड होता है जो आप बायोमेट्रिक्स में टीम देखते हो उसके पीछे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं राइट नाउ इस वक्त हमारे स्टाफ में फोर्टी थ्री लोग शामिल है लगता है देख के रही, पेपर ही तो अपलोड करना है सीटी तो बनानी है ये सब चीज बड़े बड़े मतलब एकदम स्ट्रीम की सॉफ्टवेयर को के लिए उसके सर्वर को मैनेज करने के लिए इतना सब कुछ के लिए पूरा पूरा एक एक डेडिकेटेड बंदा काम कर रहा होता है यहाँ पे ठीक है तो अभी मैं आपसे क्या कि इसकी जब क्वेश्चन होता ना तो उनको बड़े ध्यान से मैंने बोल दिया अब मैं लो है तो सी मैं, आंसर तो मैंने कहा नहीं और बार लेते कि और क्या दे रखा है। मतलब ये किस जर, cell, ये सबसे पहले सी आ गया मतलब सेल क्या जर्म सेल होती है तो मतलब आंसर हो गया ए बी और डी में से एक आंसर होगा ठीक है स्परमेटो स्टेम सेल से क्या बनेगा उससे स्परमेटो गुनिया बनेगा कोई डाउट ही नहीं इसमें के तो आंसर क्या आ गया इसका तो सी और ए मालूम चल गया आंसर आ गया इसका बीटा बी इसका आंसर आ गया बाकी मिलाए चाहे ना मिलाए ठीक है थीके? लेकिन जो गलती मैं करने वाला था ना वो गलती बेटा आप मत करना है स्परमेटो गुणा देखा क्योंकि हमें मालूम होता है लेकिन हमको ये भी बता देना हमें कि स्परमेटो गुनिया को बनाने वाली भी क्या होती है जर्म सेल्स होती जर्माइनल होती है उसको बोलते हैं हम स्टेम सेल बोलते हैं जो लगातार स्परमेटो गुनिया को प्रोवाइड करती है ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन वॉट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन स्पर्म के निर्माण का सही क्रम क्या होता है के आप देखो है ना अब सोचिए ना आपके ये वाला क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन में फर्क किस चीज का है देखिए ना दोनों देखने में एक समान क्वेश्चन है पर दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है उठके पहले उसने अलग ऑप्शन दिया अभी उसने ऑप्शन अब देखो हमें पता है यहां पे सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया है ठीक है उसने क्या बनाया उसने स्पर्मेटोसाइट बनाए बनाया उससे स्पर्मेटेड बना स्पर्मेटोजोआ बना क्या ठीक देख लिए। अब यहां पे देखो स्पर्मेटेड जो है स्पर्मेटेड बाद में बनता है स्पर्मेटोगोनिया पहले होती है ठीक है तो क्या बनता है उससे स्पर्मेटोसाइट बनते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा ये सही ये गलत है ठीक है BOD में सांसर है। और स्पर्मेटोसाइट से क्या बनता है बनता है सीधा स्पर्म नहीं बनता है तो आंसर डी आ गया।, दिया गया ये आंसर गलत हो गया इसका ठीक है ना क्लियर चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म हम कहां से निकलते हैं ये के जब स्पर्म समाइनी फ्रस्टिबुल से निकलते हैं को छोड़कर बाहर निकलते हैं हम उसे बोलते हैं बोलते हैं तो आंसर से बाहर निकलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन इमैच्योर मेल जर्म सेल अंडरगोस डिवीजन टू द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस चूज द करेक्ट वन विथ ओके आपको सही कथन बताना है आपको एटके? है ना स्पर्मेटोजेनेसिस ऑप्शन है अब क्या

सेकेंडरी जो है वो में भाग लेते हैं और को बनाते हैं। स्पर्मेटो जो ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटेड उल्टा लिखा है स्पर्मेटेड स्पर्मेटो जो है हमें ट्रांसफॉर्म होते हैं ठीक है तो आंसर आ गया सी इसका। अब क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू बढ़िया क्वेश्चन अगेन इट इज फैंटास्टिक क्वेश्चन फ्रॉम एनसीआरटी ठीक है आप बोलोगे बोलोग क्वेश्चन को फैंटास्टिक बोल रहे हो ऐसा नहीं है ये एग्जाम का क्वेश्चन है एग्जामर ने बहुत सोच समझ के क्वेश्चन बनाया और अच्छा क्वेश्चन बनाया बनायाट के हम देख रहे हैं इसमें ए बी सी तो ए क्या है बताओ ए क्या है ए तो है जर्म सेल के जर्म सेल स्टेम सेल बोल सकते हैं या इसको हम जो है वो इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं जो लगातार नई सेल्स को प्रोड्यूस करती है तो ए इज द इंटरस्टिशियल सेल देखो बी क्या है बी है स्पर्मेटोगोनिया बी क्या है स्पर्मेटोगोनिया है

कि बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर जो इमेजेस हैं वो बड़े काम की है बेटा है में पूछी जाती है।, है? है, है और सबसे टॉप एक्रोसोम होता है ठीक है देखते हैं ऑप्शन क्या रखा है इसका इलांगेटेड कैप बिल्कुल सही है ना एकदम सही आंसर जो है एक्सप्लेन किया गया इसमें एकदम सही बताया गया इसमें कि

ये क्या होता है इट इज जो, जो होता है उसमें 9 plus 2 arrangement होता है, और ये डिस्टल सेंट्रोल दो तरह के एक प्रोक्सिमल सेंट्रोल जो है वो एक को आगे जाके मिलेगा और उससे जो है, जो है वो डिवाइड करके एम्ब्रियो बना पाएगा तो ये आंसर क्या इसका आंसर है डिस्टल सेंट्रोल तो बेटा ये सेंट्रोल वाला हिस्सा ना ये आईएमपी है याद रखना है इसको ठीक है फिर फोर्टी सिक्स एनर्जी फॉर दी मूवमेंट ऑफ स्पर्म इन फीमेल ट्रैक देखो में में जो जो मूवमेंट करने की एनर्जी किससे मिलती है है ये स्पर्म के पास में होता है, वो लगातार एनर्जी को प्रोड्यूस करता है और उसके लिए फूड क्या यूज होता है और है? है फ्रक्टोज तो uh, के

कि किस भाग में ऊर्जा है कौन सा भाग एनर्जी का सोर्स है तो मैंने आपको बताया बेटा ऑलरेडी जो 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 सोर्स ऑफ एनर्जी है जो सोर्स ऑफ एनर्जी वो क्या वो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है ठीक है स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया होता है और स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया हो क्या होते हैं नेवेन कर्न कहते हैं इसको हम नेवेन भी कहते हैं इसको हम ठीक है क्लियर फिर आगे बढ़ते हैं इसमें ंगेस्ट पार्ट ऑफ स्पर्म स्पर्म का सबसे लंबा हिस्सा क्या होता है अभी डायग्राम देखा आपने ध्यान से बताइए सबसे लंबा हिस्सा क्या है स्पर्म का अरे ऊपर वाला क्वेश्चन देखो नीचे वाला क्वेश्चन देखो क्या आंसर मिल रहा है टेल इज लॉन्गेस्ट पोर्शन ठीक है ना फिफ्टी ये बस कि ऐसे लड्डू क्वेश्चन हर बार आएंगे आगे बढ़ेंगे जसी -जसी, तो क्वेश्चन तो का डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा मैच बिटवीन दी फॉलोइंग रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ स्पर्म स्पर्म के रिप्रेजेंटिंग पार्ट को मैच कीजिए उनके फंक्शन के साथ में देखो भाई हेड में होता है न्यूक्लियस तो ए तो हो गया चार जेनेटिक मटेरियल और ए चार है मतलब ए दो वाले आंसर तो गलत है ठीक है कोई डाउट नहीं और मिडिल पीस में होता है माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी के लिए तो ए के बाद बी क्या बी का तीन है तो यहां बी ए देखा ये गलत है आंसर आ गया हमारा के। हम ऐसे ही आंसर निकालते हैं ठीक है दो मैच कर लिए आपने और देखा कि बाकी दो तीन जगह पे वो नहीं है तो कहां दिमाग लगाए हम हो गया आंसर सॉल्व हो गया आगे बढ़ते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन क्या बोल रहा है कि ए और बी को लेवल किया गया तो क्या विकल्प सही है देखो सिंपल सी बात है कि ए वाला जो है वो है माइटोसिस जिसके चलते हर बार नई सेल्स बन रही है मल्टीप्लीकेशन माइटोसिस से होता है ठीक है ना क्लियर है ना और माइटोसिस हुआ उससे क्या बना मल्टीप्लिकेशन हुआ उसके बाद क्या बना बेटा ने जो है वो क्या -क्या, अपने आपको डिफ्रेंशिएट किया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना ग्रोथ फेज हुआ ये तो क्या बना ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा खुद देखिए ना आप से मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या है कि जो, से वो नया स्पर्मेटोगोनिया बना रही हो गया

जेनेटिकली सिमिलर होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक सिमिलर होती है आपको देखने नहीं मिलती एग्जैक्ट कॉपी पेरेंट की वो नहीं होती है ठीक है 54 यदि राइस प्लांट के मेल गैमेट में गैमेट हैप्लाइड होता है 12 क्रोमोसोम है तो 2n कितना हो गया 24 हो गया इसके अब आप आपको पता होना चाहिए कि फीमेल गैमेट मतलब n होगा ठीक है zygote 2n होगा Cells of seedling, zygote के बाद बनेगा two N होगा तो लगा लो पहले एक पहला ट्वेल्व फिर ट्वेंटी फोर फिर ट्वेंटी फोर आना चाहिए आंसर में अरे यहाँ डिप्लाइट वाला क्वेश्चन है, है तो कहा गलती करने कोई संभावना ही नहीं इसके पास में इसमें ठीक है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव आइडेंटिफाई दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पहचानिए आपके तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस आर मॉर्फोलॉजी बिल्कुल सही है जेनेटिकली मॉर्फोलॉजी सिमिलर प्रोजेनी को प्रोड्यूस करेगा ये बिल्कुल सही है ठीक है जू स्पोर अरे जू स्पोर सेक्सुअल नहीं होते जू स्पोर ए सेक्सुअल होते कितनी बार बताएंगे ठीक है ए सेक्सुअल स्पोर होते हैं ठीक है फिर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट

इसकी माइक्रोस्पोर मदर सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे अरे भाई माइक्रोस्पोर मदर सेल मतलब म्यूसाइट मतलब वो टू एन होगी उसके बाद म्यूसिस जब हो चुका होगा तब तो हैप्लाइड कंडीशन बनेगी तो आंसर आ गया इसका ट्वेंटी है ना ऑर्गेनिज विथ हाई वेरी हाई इंट्रांसिक ग्रोथ रेट के देखो बेटा इंट्रांसिक ग्रोथ रेट का मतलब है कि जन्म दर्ट के हम कहते हैं हम कहते हैं यहां पे बर्थ रेट हम कहते हैं बर्थ रेट माइनस डेथ रेट ठीक है तो कितना बड़ा उसे बोलते हैं हम इंट्रेंसिक ग्रोथ रेट कहते हैं तो हाई इंट्रेंसिक ग्रोथ रेट है मतलब बच्चों की संख्या अधिक बढ़ती है मतलब ये कि जनरेशन टाइम है। जल्दी जल्दी उस्प्र, 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 बन रहे हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह में होता है ठीके. तो शॉर्ट जनरेशन टाइम में क्या होता है कि संतानें बहुत तेजी से बढ़ती है अगली पीढ़ी बहुत तेजी से बढ़ने लगती है ठीके. जबकि लॉन्ग जनरेशन टाइम में क्या होता है कि उसमें इंट्रेंसिक ग्रोथ रेट काफी स्लो होती है तो इसलिए संतानें बडे धीमे धीमे ग्रो होती हैं वो फिर फिफ्टी वॉट इज दट ऑफ ए पॉपुलेशन दैट इज डोमिनेटेड बाय यंगर इंडिजुजल एंड लैकिंग ओल्डर इंडिजुअल तो यंगर इंडिजुअल आगे जाकर रिपोर्ड्यूस करेंगे और पॉपुलेशन और बढ़ेगी ठीक है तो ये पॉपुलेशन होती है वो ग्रोइंग पॉपुलेशन होती है ठीक है तो जो इंडिया की जो इंडियन पॉपुलेशन है जो भारत की जनसंख्या है वो इस कैटेगरी में आती है ठीक है जबकि जापानीज पॉपुलेशन जापान के अंदर ओल्डर लोग अधिक है ओल्ड एज के लोग अधिक हैं यंग काम है तो जापान की और चाइना की पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग हो चुकी है इस वक्त के इंडियन पॉपुलेशन ग्रोइंग है बायोटिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है तो देखते हैं हम क्या ऑप्शन रखें बायोटिक पोटेंशियल मतलब होता है कि एक ऑप्टिमम कंडीशन में बेहतर इन्वायरमेंटल कंडीशन में मैक्सिमम पॉपुलेशन कितना ग्रो कर सकती है ठीक हाउ मच पॉपुलेशन कैन ग्रो इन ऑप्टिमम कंडीशन पर्याप्त नोरिशमेंट मिल रहा हो पर्याप्त रहने को जगह मिल रही हो तो कितना पॉपुलेशन ग्रो कर सकती है उसे हम बोलते हैं उसके लिए हम क्या वर्ड बायोटिक पोटेंशियल वर्ड का यूज करते हैं ठीक है थीके? सिक्सटी सम ऑर्गेनिज रिप्रोड्यूस ओनली वंस इन दर लाइफ टाइम बिकॉज दे कुछ ऑर्गेनिज रहते हैं जो जीवन में केवल एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं क्योंकि तो उनके लिए आ, एक से अधिक बार रिप्रोड्यूस करना एक महंगा सौदा होता है एनर्जेटिकली यदि वो उससे अधिक जो है एक से अधिक बार रिप्रोड्यूस करेंगे तो उनको रिपोर्टिव फेज में आने में काफी सारा वक्त लगता है और काफी सारा जो है एनर्जी वहां पे खर्च होता है तो वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और प्लांट मर जाते हैं इसलिए कई प्लांट ऐसे होते हैं जो जीवन काल में एक ही बार जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं तो उसका आंसर है इसमें इन्वेस्ट सो मच इन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन में काफी अधिक वो इन्वेस्ट करते हैं इसलिए जो है वो उनके पास जीवित बचने के लिए मटेरियल जो है वो नहीं होता है तो मतलब कहने का देखिए क्या होता है बंबू

बांग्लादेश की बात की थी हमने म्यांमार की बात की थी हाँ पे हमने, तो हमने कहा कि बांस जब खिलता है ना तो वो इतना अधिक एनर्जी लगा चुका होता है फ्लावरिंग में फ्रूट प्रोडक्शन अपने तो इसके चलते जो है वो उसके प्लांट के सस्टेन करने की एनर्जी नहीं बचती तो एक ही बार रिप्रोड्यूस करके वो खत्म हो जाता है ठीक है तो ये तो थे सिक्सटी क्वेश्चन टेस्ट के अब इनमें से मैं आपसे कहता हूं कि दो या तीन क्वेश्चन के अलावा बाकी क्वेश्चन में गलत करने का इसको बेटा था नहीं क्योंकि क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे अच्छे क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे आते हैं कि इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन बहुत सारे थे इसके अंदर तो यहां पर गलती आपको नहीं करना है ठीक है ना Clear? तो अपने आप को तैयार रखिए लगातार बेटा और टेस्ट कीजिए कई सारे बच्चे बोलूंगा तो आपको भी अच्छा लगेगा मुझे भी लगेगा। लेकिन ऑफिशियल जब तक आप यूट्यूब अकेले पर थे ना तब लगा था सोशल मीडिया पर है आप अब आप बिल्कुल जो है वो एक इंस्टीट्यूट के अंदर बैठे हुए हैं समझ गए और इंस्टीट्यूट के अंदर बैठेंगे तो भैया आप नहीं पढ़ेंगे तो डांट भी पड़ेगी है ना हम डेवलप कर रहे हैं हमारा सिस्टम हम और इंप्रूव कर रहे हैं जिसमें कि आपकी मंथली मार्कशीट जनरेट हो सके ठीक है आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको एक भरतना बड़ी क्या बोलते हैं इसको है ना निंदा जरा चिट्ठी मिल जाए आपको जो कमांडो पढ़ते क्यों नहीं हो ऐसी चिट्ठी मिल जाए वो सारे सिस्टम डेवलप कर रहे हैं हाँ आपने जो रिकमेंडेशन दिए वीडियो की स्पीड को कम ज्यादा करना है ना वीडियो को डाउनलोड करना वो सारे पढ़े मैंने मेरी पूरी टीम को मैंने बोला कि मेरा एक बच्चा भी कोई फीचर की डिमांड करता है तो उसके बारे में सोचिए देखिए कि फिजिबिलिटी क्या है उसकी सबके लिए फायदेमंद है या नहीं है और उस पर डिसीजन लीजिए क्योंकि ये ये जो ये जो इंस्टीट्यूट है आपका मेरा हम सबका इंस्टीट्यूट है यहाँ पर हमको मिलकर जो है वो जो आपके सजेशन है उन्हीं के आधार पे पर आपके सजेशन को भी फॉलो करते करते ये ऐप इतना बड़ा ऐप बन गया है आगे भी इसमें आपके सजेशन के अकॉर्डिंग चीजें ऐड होती रहेंगी बेटा ठीक है ना तो एंजॉय दि स्टडी और अब अब मैंने पकाना आपसे आप बिल्कुल आप ऑफिशियल मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर खड़े हैं ठीक है मेरे आपके हम सबके इंस्टीट्यूट के अंदर खड़े तो अभी पढ़ाई ऑन डिस्टेक्शन गॉन ऑल दस्ट हाई टू बिकम मैनिफेस्टो मैन दायोमेंटल ज्वाइन डब्ल्यू 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 डॉट बायोमेंटल डॉट ऑनलाइन Here you can solve daily practice papers. An online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download by a mentor's online app. From Google Play Store.